थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाय हाँ बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइट वे स्टडी। मैं सुशील कुमार विश्वकर्मा। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक क्लास उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि एसएससी ग्रुप डी, डीआरडी और एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी को सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों उष्मा। क्या पढ़ाऊंगा? उष्मा। उष्मा जो होती है दोस्तों, यानी हीट। उष्मा जो होती है वो हमारा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या है? एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण स्थानांतरित होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई दोस्तों, मान ले हमने क्या कर दिया, ये कोई आयरन की रोड है। ठीक है, यहाँ पर इस सिरे पे इसको गर्म कर दिया, इस सिरे पे इसको जब गर्म किया तो यहाँ पर इसका क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, और यहाँ पर धीरे धीरे टेम्परेचर किनारे क्या होगा? यहाँ पॉइंट कम होगा, यहाँ पर भी इससे कम होगा, यहाँ पर भी और कम होगा। धीरे धीरे यहाँ पर मान लीजिए हमने क्या 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ कितना होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। यानी एक वस्तु से दूसरे, या फिर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में मान लो कहीं अगर हम क्या है पतीला, ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हीट गर्म कर, हीट दे दिया, हीट के क्या होगा, ये पतीला क्या गर्म हो जाएगा। इसमें अगर कोई पानी या लिक्विड है तो ठीक है, कोई हीट क्या होगा, पतीले से इसमें पानी में ट्रांसफर हो गया। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो हीट का जो ट्रांसफर होता है वही हमारा क्या कहलाता है? उष्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? उष्मा। एक इस पर डिपेंड करता है, ये वस्तु का जो मास है यानी वस्तु का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों? द्रव्यमान कितना अधिक है, जितना अधिक होगा उससे उष्मा अधिक ज्यादा निकलेगा। ठीक है, यानी उसको गर्म करने में भी ज्यादा समय लगेगा। अब बात करता हूँ दोस्तों उष्मा, यानी मान लो हमने क्या किया, डब्लू कार्य किया। क्या किया? डब्लू कार्य किया। डब्लू कार्य करने में हमारा क्या है? क्यू उष्मा उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा दोस्तों डब्लू अपान क्यू इक्वल टू, एक कांस्टेंट आता है उसको क्या कहते हैं? जे बोलते हैं। ठीक है, यदि क्यू कार्य करने पर, डब्लू कार्य करने पर क्यू उष्मा उत्पन्न हो, उष्मा क्या हो, क्यों उत्पन्न हो, तो यहाँ से डब्लू अपान क्यू इक्वल टू जे होता है, जहाँ जे हमारा ये कांस्टेंट है। क्या है ये हमारा? क्या है? कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को बोलते हैं दोस्तों क्या? उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। उष्मा का यांत्रिक, यांत्रिक तुल्यांक बोलते हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके मात्रक की, बात करते हैं। कार का मतलब क्या होता है? जूल होता है। अब उष्मा का मात्रक दोस्तों क्या हो जाएगा? कैलोरी होता है। क्या हो जाएगा? कैलोरी। तो यहाँ से जे का जो यूनिट हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा। जूल प्रति कैलोरी इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कैलोरी क्या होती है। ठीक है, कैलोरी यानी कैलोरी होता क्या दोस्तों, उसको देखते हैं। मान लीजिए कोई 1 ग्राम जल है। 1 ग्राम क्या है? जल है यानी वाटर है। इसका ताप जो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोरी। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की होती है, आवश्यकता होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैलोरी बोलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी।
ये क्या होता है दोस्तों, इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई 1 ग्राम जल है या शुद्ध वाटर है, ठीक है, 1 ग्राम क्या है, शुद्ध वाटर है, ये प्योर वाटर है हमारा। इसका जो टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी बोलते हैं। और एक होता है दोस्तों, एक हमारा होता है ब्रिटिश कैलोरी, क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कैलोरी। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम पॉइंट्स जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, ब्रिटिश कैलोरी क्या होता है, ये मान लीजिए क्या है, कोई 1 ग्राम जल है, 1 ग्राम क्या है हमारा, जल है यानी वाटर है, इसका जो टेम्परेचर होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए, कितना, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटिश कैलोरी बोलते हैं। ठीक है, और एक ब्रिटिश कैलोरी होता है, एक BTU, एक ब्रिटिश कैलोरी बराबर होता है 252 कैलोरी होता है। ठीक है, और एक कैलोरी बराबर होता है दोस्तों, एक कैलोरी बराबर होता है हमारा 4.186 जूल होता है। ठीक है, और 1 किलो कैलोरी बराबर यहाँ से हो जाएगा, अगर 1 किलो कैलोरी ले रहे हैं यहाँ से 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4186 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना कैलोरी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और 1 किलो कैलोरी वाला कितना होता है, 1000 कैलोरी, 1 किलो कैलोरी वाला कितना होता है, 1000 कैलोरी होता है। ठीक है दोस्तों, इस पर आपको पूछा जाता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, इस तरह से 1 किलो कैलोरी कितना होता है, इस तरह का मटा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट यानी एग्जाम के पॉइंट व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।